गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम, कैम छो दोस्तों। सो काफी टाइम के बाद अगेन आपकी जो सीरीज चल रही थी प्लांट पैथोलॉजी की, उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। प्लांट डिजीज जितने भी हमारे हैं, हमने बोला था इस सीरीज के अंदर हम जितने भी हमारे प्लांट के यानी कि क्रॉप्स के जो डिजीज हैं उनको कवर करने का काम करेंगे। और पिछले क्रॉप्स के अंदर हमने अगर हम बात करें तो राइस, व्हीट, हमने शुगर केन क्रॉप को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट आज की जो हमारी क्रॉप है वो आपकी मस्टर्ड क्रॉप के डिजीज, बट इसके साथ आज हमने कुछ एड ऑन किया है इंसेक्ट को भी, है ना। क्योंकि बच्चे बोल रहे थे कि सर अकेले डिजीज से काम नहीं चलेगा, इंसेक्ट भी लेके आने पड़ेंगे, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो क्रॉप आपकी करवाई जा चुकी है उनके इंसेक्ट बाद में हम करवा देंगे, लेकिन आगे आने वाली सीरीज के अंदर हम क्रॉप के डिजीज के साथ साथ उनके इंसेक्ट जो इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है और उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनमें से आपके एग्जाम में मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस करने का काम करेंगे। लेकिन गाइज एक चीज ध्यान रखना, आपके डिजीज को क्लैरिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आपको, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि फील्ड में जाके चेक करो, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप स्टडी कर रहे हो तो उसमें आपको क्लैरिफाइड होना चाहिए कि हाँ ये जो आपने डिजीज जो पढ़ा है उसके अंदर कहां से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो डिजीज करवाने के ऊपर अगर हम बात करें तो आई थिंक सो, मैं अगर देखूंगा तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज पड़ी हुई है ना, कि इसके अंदर ये करवाया जा रहा है कि आपके मस्टर्ड या फिर क्रॉप के जो डिजीज है उनमें बताया जा चुका है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम बात करें तो आप इन चीजों को ध्यान करिए कि आपके एग्जाम में क्या आएगा, है ना। तो वीडियो से मतलब नहीं है, डिजीज करवाने से मतलब नहीं है, डिजीज के अंदर क्या बताया जा रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें मस्टर्ड क्रॉप की या रेपसीड क्रॉप की, तो उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है कि वो फैमिली क्या है, उसके साइंटिफिक नेम क्या है, बोटेनिकल नेम आपका क्या है, आपका ओरिजिन क्या है, सोइल टाइप यानी कि किस सोइल के अंदर वो थ्राइव कर सकता है, क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट उसके क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्योंकि बच्चे बोल रहे थे कि सर प्लीज थोड़ा सा क्रॉप को भी डिस्क्राइब कर दिया करो, दैट विल बी बेटर, क्योंकि ये हमें समझ में आता है और एग्जाम में भी हमारे काम में चीज जाती है ना। तो चलिए अगर हम बात करते हैं मस्टर्ड के केस में, तो ब्रासिका स्पीसीज यानी कि ये सारी की सारी ब्रासिका स्पीसीज होती है। इनमें अगर हम बात करते हैं तो आपका ब्रासिका स्पीसीज यानी कि जो मोस्टली मस्टर्ड फैमिली यानी कि जो ब्रासिकेसी फैमिली है, इससे यानी कि जो आपकी क्रूसीफेरी फैमिली है, इससे आपके मैक्सिमम जितने भी प्लांट बिलोंग करते हैं उनमें सेम टाइप ऑफ डिजीज या सेम टाइप ऑफ इंसेक्ट जो है फाइंड आउट होते हैं, है ना। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो चेंजेस होते हैं उन चेंजेस को हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले याद रखना गाइस, अगर हम ब्रासिकेसी फैमिली की बात कर रहे हैं, क्रूसीफेरी फैमिली की बात कर रहे हैं, तो उनमें मैक्सिमम आपकी जो डिजीज है या इंसेक्ट है वो सेम होते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। तो आपके जितने भी उसके प्लांट होंगे फैमिली के अंदर उनके सारों के डिजीज या इंसेक्ट के जो आपके सिम्टम्स होंगे ऑलमोस्ट आपको सेम देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब पर्टिकुलरली एक क्रॉप को डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि आज हम मस्टर्ड को कर रहे हैं। अगर हम मस्टर्ड के ओरिजिन की बात करते हैं तो इसका ओरिजिन आपका चाइना बोलते हैं, या फिर आप मिडल ईस्ट को बोल सकते हैं, लेकिन चाइना में आप ज्यादातर बोल सकते हैं कि आपका जो चाइना है वो कहीं ना कहीं आपके मस्टर्ड के ओरिजिन ओरिजिनेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके मस्टर्ड के ऑयल के अंदर या फिर आपके जो क्रूसीफेरी क्रॉप की जो ऑयल कंटेंट होता है वो आपका 37-49%, ये वेरी करता है हर एक क्रॉप के अकॉर्डिंग, और ये वेरिएशन आपको याद रखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है यहां पर एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ेगा। उसके बाद है सोयल। सोयल की जब भी बात करेंगे तो याद रखना लाइट जो लोमी सोयल होती है वो बेस्ट होती है आपकी मस्टर्ड के लिए, और अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर क्रॉप के लिए तो आपको पता है सैंडी लोमी सोयल जो है वो बेस्ट एग्रीकल्चर सोयल के नाम से जाना जाता है। किसको? सैंडी लोम सोयल को, है ना। तो याद रखना यहां पर बेस्ट एग्रीकल्चर सोयल, सॉरी बेस्ट आपकी मस्टर्ड सोयल जो जिसके अंदर मस्टर्ड क्रॉप को ग्रो करवाया जाता है, या आपकी मोस्टली जो क्रूसीफेरी क्रॉप को ग्रो करवाया जाता है, दैट इज द लाइट लोमी सोयल। ओके नेक्स्ट गाइस, आपका ग्रोइंग सीजन यानी कि क्रॉप की सोइंग कब की जाती है और हार्वेस्टिंग कब की जाती है, तो आपको पता होना चाहिए आपकी मस्टर्ड की क्रॉप को सोइंग किया जाता है लेट यानी कि लास्ट फोर्टनाइट ऑफ सितंबर एंड फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर, है ना। और उसके बाद अगर हम हार्वेस्टिंग की बात करते हैं तो फरवरी मार्च यानी फरवरी के एंड और मार्च की स्टार्टिंग के अंदर इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। और अब हम चलते हैं इसके डिजीज की ओर, क्योंकि इसके डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला आपका डिजीज है इसका अल्टरनेरिया ब्लाइट, और अल्टरनेरिया ब्लाइट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सिम्टम जो आपके दिख रहे हैं, यहां पर इमेजेस को आप देखिए, ये इमेजेस आपको डिस्क्राइब करेंगी, ये कॉन्सेंट्रिक रिंग, स्पेशली बोला जाता है कि कॉन्सेंट्रिक रिंग जो फॉर्म होता है वो किस में फॉर्म हो रहा है। तो अल्टरनेरिया ब्लाइट के अंदर क्या होगा कि आपके कंसेंट्रिक रिंग देखने को मिलेंगे। सबसे पहले इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म जो है वो आपका क्या होगा, अल्टरनेरिया ब्रासिकेसी, है ना। ये जो आपका है फंगस है, एक फंगल डिजीज होता है, और ये इस फंगस जो अल्टरनेरिया ब्रासिकेसी एक आपका जो फंगस है इसके द्वारा ये डिजीज कॉज होता है।
अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो ये मेनली इसके जो डिजीज के अगर सिम्टम्स की सॉरी इसके जो आपके स्पोर होते हैं फंगस के, वो ज्यादातर आपकी सोयल के अंदर, सीड के अंदर, या जो अफेक्टेड प्लांट पोर्शन होता है, जो आपका प्लांट का रेजिड्यू है, उसके अंदर पड़े रहते हैं। और नेक्स्ट टाइम जैसे ही आपकी क्रॉप ग्रो करती है, उसके अंदर ये क्या करते हैं, अटैक करने का काम करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो मैंने अभी बोला था कि ब्लैक स्पॉट जो कॉन्सेंट्रिक रिंग फॉर्म है, वो लीफ के ऊपर, स्टेम के ऊपर और पॉड के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आपका एक बेस्ट सिम्टम है जो कि एग्जाम के अंदर जहां से क्वेश्चन पूछ रहा था वो ये है ना, कि किस सिम्टम या ये सिम्टम किसका है, या अल्टरनेट ब्लाइट का सिम्टम इनमें से कौन सा है, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है। और एक चीज याद रखना कि ये जो पोड, इसके जो पोड होते हैं, अगर एक बार इसके अंदर डिजीज आ गया, तो पोड अगर एक बार बन भी चुके हैं, वो पोड आपके क्या हो जाएंगे, श्रिवल हो जाएंगे, गिर जाएंगे, और गिरने के बाद आपको पता है कि प्रॉपरली आपका यील्ड नहीं दे पाएगा। समझ में आया यहां तक? ये हमारा क्या था, अल्टरनेरिया ब्लाइट। और अल्टरनेरिया ब्लाइट की अगर हम बात करते हैं, तो इस कंट्रोल कैसे करेंगे, तो गाइस याद रखना ये डायथेन, क्या डायथेन M45 के द्वारा इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, या फिर जो हमारे मैंने अभी बोला था कि जैसे अफेक्टेड प्लांट पोर्शन जो रेजिड्यू है उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं इसके स्पोर, तो याद रखना कि ये जो हमारे अफेक्टेड प्लांट पोर्शन होंगे उनको क्या कर दिया जाए, जला दिया जाए, बर्न आउट कर दिया जाए, या फिर उन्हें फील्ड से कंप्लीटली रिमूव कर दिया जाए, दैट विल बी ए डेफिनेट यू कैन से दैट कि इसका सॉल्यूशन होगा इस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। और क्रॉप रोटेशन, जैसा कि मैंने पिछली क्रॉप के अंदर आपको बताया था कि क्रॉप रोटेशन हर एक डिजीज को आपका कंट्रोल करने का काम कर सकता है, क्योंकि जैसे ही हम क्रॉप को रोटेट करने का काम करते हैं, वो हमारा क्या करता है, एक प्रकार से हमारी डिजीज को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि एक प्रकार से दूसरी क्रॉप आ चुकी है। और एक्चुअली में याद रखना, जैसे क्रूसीफेरी क्रॉप है ना, तो क्रूसीफेरी क्रॉप को ग्रो नहीं करवाना है हमने, नेक्स्ट टाइम कोई और फैमिली से बिलोंग जो करती है, या फिर जो डिजीज है वो सिमिलर नहीं होने चाहिए, उनका अल्टरनेट होस्ट नहीं होना चाहिए, या कोलेटरल होस्ट नहीं होना चाहिए, अदर देन दैट कोई भी अलग आपकी क्रॉप हो सकती है जिसको हम रोटेट करवाने वाले हैं। समझ में आया? चलिए अगला हम अगर हम बात करते हैं, तो डाउनी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू जो हमारा डिजीज आपका, देखो यहां पर डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू दोनों में बड़ी समस्या आती है कि इन दोनों के डिजीज जो है, इनके सिम्टम्स जो है, आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो। बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि सर पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू में हम आज तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं। गाइस जब भी आप फील्ड में जाओगे, मैं इसका एक आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं, कभी भी ऑब्जर्व करके देखो, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। आप फील्ड में जाइए, फील्ड में डाउनी मिल्ड्यू या पाउडरी मिल्ड्यू का अगर अटैक है, तो देखना कि डाउनी मिल्ड्यू के केस के अंदर जहां भी अटैक हुआ है उसके अंदर लीफ जो है वो आपका नीचे से येलोइश होना स्टार्ट हो जाता है विद पाउडरी आपके सरफेस, है ना, आपका ऊपर से भी नीचे से भी। कुछ बोलते हैं सर डाउनी मिल्ड्यू का मतलब होता है डाउन सरफेस पे, नहीं, आपका डाउनी मिल्ड्यू में भी ऊपर सरफेस और लोअर सरफेस दोनों इफेक्ट होते हैं लीफ के अंदर। ठीक है, दोनों पार्ट आपके इफेक्ट होंगे, लीफ का नीचे का पार्ट ब्लैकिश देखने को मिलता है और ऊपर का पार्ट आपको येलोइश देखने को मिलेगा, कभी भी ऑब्जर्व करना, किसके केस में, डाउनी मिल्ड्यू के केस के अंदर। ठीक है, और पाउडरी मिल्ड्यू के केस में आपको येलोइश पोर्शन बहुत कम देखने को मिलेगा, केवल आपको क्या देखने को मिलेगा, पाउडरी सरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो डाउनी मिल्ड्यू में समझ में आया, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म आपका क्या है, पेरनोस्पोरा ब्रासिकेसी, है ना। और अगर हम बात करते हैं, तो मैंने अभी बताया येलो इरेगुलर स्पॉट, ठीक है, आपके सरफेस के अपर सरफेस पर, और व्हाइटिश ग्रोथ जो है वो आपका अपर और अंडर सरफेस दोनों के ऊपर आएगा, स्पॉट आएंगे इसके। ठीक है, उसके साथ आपका जब भी ये स्वियर अटैक होता है, तो इन प्रोसेस यानी कि जो फ्लावर होंगे इफेक्ट हो जाएंगे, फ्लावर इफेक्ट हो गए तो ऑब्वियस ही बात है हमारा यील्ड नहीं आ पाएगा, इन प्रोसेस जो है वो ट्विस्टेड हो जाती है, मुड़ जाते हैं इसके फ्लावर के जो जो आपके पेटल्स या फिर जो सेपल्स होते हैं, उसकी वजह से फ्लावर प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो पाएगा। और फ्लावर अगर फॉर्म नहीं हो पाएगा, तो हमारा क्या है यहां पर, ऑब्वियस ही बात है कि यील्ड कहां से आएगी, जब फ्लावर ही नहीं बन पा रहा है अच्छे से, है ना, तो यील्ड भी हमारी नहीं हो पाएंगी और पॉड भी नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो आप यहां पर जो येलोइश पैचेस की बात कर रहा था, वो ये देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपके पैचेस देखने को मिलेंगे, और अंडर सरफेस पर आपका इस प्रकार से आपको सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। समझ में आया गाइस? और पाउडरी जो मैं बात कर रहा था, वो पाउडर आपका सरफेस इस प्रकार से, देखो डाउनी मिल्ड्यू में भी पाउडर आता है और आपका पाउडरी मिल्ड्यू के अंदर भी आपका पाउडर आएगा, ये चीज याद रखना। ठीक है, लेकिन डाउनी मिल्ड्यू के केस के अंदर येलोइश जो पैचेस होते हैं वो आपके देखने को मिलेंगे, लेकिन पाउडरी मिल्ड्यू में ऐसा नहीं होता है। समझ में आया? चलिए अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो व्हाइट ब्लिस्टर, व्हाइट ब्लिस्टर बोल दो, व्हाइट रस्ट बोल दो, एक ही बात होती है, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर बोला जाता है, व्हाइट ब्लिस्टर ऑफ क्रूसीफर बोला जाता है। इसके अंदर आपके व्हाइट पैचेस यानी कि जो रस्ट के पैचेस हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं है। और इसका देखो ऑब्वियस बात है, कॉजल ऑर्गेनिज्म आप सभी से छुपा हुआ नहीं है, एल्बिगो कैंडिडा, है ना। तो रस्ट के केस में जब भी व्हाइट रस्ट के केस की बात आती है, तो उस समय एल्बिगो कैंडिडा हमारा एक इंपॉर्टेंट जो है कॉजल ऑर्गेनिज्म है, फंगस है ये।
और इसके साथ ये देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या बोला गया, वाइड रेज्ड ब्लिस्टर। रेज्ड ब्लिस्टर का मतलब है कि उभरे हुए कुछ ब्लिस्टर्स यहाँ पर आपको ऑब्जर्व होंगे, ये देख सकते हैं आप। ये सारे के सारे स्टेम आपके लीफ के ऊपर, पिटियोल के ऊपर, है ना। पिटियोल मतलब क्या होता है, जिससे आपका लीफ अटैच होता है वो पोर्शन आपका, ठीक है, उस पर भी आपको ये व्हाइट ब्लिस्टर आपको देखने को मिलेगा, व्हाइट पाउडर देखने को मिलेगा। और फ्लावर भी इससे क्या हो जाते हैं, मेलफॉर्म्ड हो जाते हैं और आपका स्टेराइल हो जाएगा। स्टेराइल मीन्स कि वो आपके यील्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, समझ में आया। चलिए, ये हमारे थे कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज जो कि आपके एग्जाम के अंदर। अब देखो, डिजीज आपके दो या तीन और भी थे, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट डिजीज जो आपके एग्जाम में आने वाले। देखो, सारे डिजीज अगर करते रहेंगे तो आपका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमें वो पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के अंदर आने वाला है। तो चलिए, हम इंसेक्ट पेस्ट को भी आपके देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंसेक्ट और पेस्ट है जो कि आपके मस्टर्ड की क्रॉप के अंदर इंपॉर्टेंट जो है कहीं ना कहीं नुकसान करने का काम करते हैं। चलिए, सबसे पहले है मस्टर्ड साफ्लाई। मस्टर्ड साफ्लाई जो है आपने देखा होगा, ये देखिए, इसका लार्वा और इसका जो अडल्ट दोनों ही इफेक्ट करते हैं। इसका हेड आपका ब्लैक होता है और ये आपका येलो कलर का होता है ना, और इसका लार्वा आप देख सकते हैं, ये लार्वा आपका क्या करता है, पोड को इफेक्ट करने का काम करता है, ठीक है, आपके स्टेम को इफेक्ट करने का काम करेगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो मैंने क्या बोला, ये ब्लैक हेड विद ऑरेंज कलर इसका होता है। उसके साथ अगर हम बात करें तो आपका लार्वा जो है वो लीफ के ऊपर भी फेड करता है और आपका होल करने का, लीफ के ऊपर पूरे के पूरे और आपका पोड के ऊपर पूरा का पूरा होल करने का काम करेगा। उसके ऊपर जो है एक बहुत सारे अगर होल हो गए तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, और फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो प्लांट आपका ऑब्वियस ही बात है फूड नहीं प्रिपेयर कर पाएगा, तो आपका फ्लावर कहां से आएंगे और उसके अंदर आपका प्रोडक्शन कहां से होगा, ठीक है। देखिए, अगर इसकी बात करते हैं तो मस्टर्ड साफ्लाई के अंदर आपका पूरा का पूरा लेमिना और जो लीफ होता है वो सारा का सारा खा लिया जाता है। और देखो, ऑब्वियस बात है, अगर प्लांट का लीफ ही खा लिया गया तो उसके बाद उसके ऊपर क्या बचने वाला है, कुछ भी नहीं बचेगा, है ना। और यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये मोस्टली जो है अक्टूबर के मंथ में आता है और नवंबर तक ये आपका पीक टाइम रहता है। तो पूछा जा सकता है मस्टर्ड साफ्लाई, इसके एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन आया है कि मस्टर्ड साफ्लाई आपका इंसेक्ट जो है वो आपका इसलिए इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में कई बार आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ये एक पॉलीफेगस इंसेक्ट होता है। पॉलीफेगस मतलब जो कई क्रॉप के ऊपर इफेक्ट करता है, एक सिंगल क्रॉप को इफेक्ट नहीं करेगा। और देखो, मैं आपका पीछे भूल गया था कि डाउनी मिल्ड्यू और उनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं यहां पर तो आपको एक सेकेंड, और ये एक चीज याद रखना कि विंटर के अंदर क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। चलिए, तो मैं आपको यहां पर इसके बारे में बता देता हूं एक चीज की, जो आपकी हमारी क्रॉप है उनके अंदर आप डाउनी मिल्ड्यू को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। देखो, डाउनी मिल्ड्यू को कंट्रोल करने के लिए आपका इसके अंदर याद रखना, आप स्प्रे कर सकते हैं जिनेब का 0.2%, और ये आपका डाउनी मिल्ड्यू के साथ साथ आपका व्हाइट रस्ट को भी कंट्रोल करने में काम आता है, समझ में आया। और इसके साथ अगर हम बात करते हैं तो डाउनी मिल्ड्यू को आप केराथेन के द्वारा भी कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, यानी कि जिसके अंदर सल्फर फंगिसाइड होता है उसको आप यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप इसको अगर अप्लाई कर रहे हो तो 2 से 3 टाइम अप्लाई करना पड़ेगा आपको, 10 दिन के इंटरवल, यानी कि 10 डेज के इंटरवल के ऊपर, तब जाके आपका डाउनी मिल्ड्यू कंट्रोल होगा। और मस्टर्ड साफ्लाई को कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो इसके लिए आप डस्टिंग करना पड़ेगा किसका, BHC का 5-10% BHC को आप जो है 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा BSC की डस्टिंग करने से क्या हो सकता है, मस्टर्ड साफ्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है। और ये हम जो बात कर रहे थे डाउनी मिल्ड्यू की बात कर रहे थे जिनेब और केराटिन के केस के अंदर, समझ में आया। तो ये हमारा क्या था, आपके डिजीज के केस के अंदर कि कैसे उनको कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा मस्टर्ड साफ्लाई को मैंने बता दिया। मस्टर्ड साफ्लाई जो है आपके पूरे के पूरे लीफ को खा जाता है। इसका मेन इफेक्ट जो रहता है वो आपका अक्टूबर के अंदर और नवंबर के अंदर, नवंबर में इसका पीक टाइम होता है, और ये आपका लास्ट जब विंटर खत्म होने को लगती है या विंटर का पूरा एक जब जनवरी का टाइम आता है तो उस समय ये खत्म हो जाते हैं, उस समय ये नहीं रहते वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मस्टर्ड एफिड की अगर हम बात करते हैं तो ये मेनली आपको पता है। अब देखो, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, इसका माउथ पार्ट कैसा होता है एफिड का, तो पियर्सिंग और सकिंग टाइप होता है। और ये आपका स्टेम को लेके लीफ ट्विग यानी कि ब्रांचेस इनफ्लोरेसेंस पॉड सभी पार्ट को इक्वली इफेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये आपका क्या होगा, इसकी वजह से आपका लीफ इफेक्ट होने के बाद पूरा का पूरा कर्ल हो जाएगा। लेकिन इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है हनी ड्यू सिक्रेशन। क्या होता है, एक आपका लिक्विड सिक्रेट होता है और लिक्विड सिक्रेट होने के बाद ये पूरा का पूरा लीफ के ऊपर कवर अप कर लेता है और लीफ के ऊपर कवर लीफ पूरा पूरा ब्लैक हो जाएगा। ब्लैकिश होने के कारण क्या होगा, आपके लीफ के ऊपर आपके जो है
कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, क्लोरोफिल जो है पूरा का पूरा ढक जाएगा, यानी कि आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रुक जाएगा, फूड फॉर्मेशन प्रोसेस रुक जाएगा, जिसकी वजह से क्या होने वाला है, आपका प्लांट जो है वो फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएगा अच्छे से। और प्लांट अगर फूड प्रिपेयर नहीं कर पा रहा है तो यहां पर क्या होगा हमारा, देखिए ये जो है कैस पर किस प्रकार से हमारा जो है यहां पर इफेक्ट कर रहा है, आप देख पा रहे होंगे ये हमारा क्या है मस्टर्ड एफिड है, और ये मेनली पूरे के पूरे लीफ को इफेक्ट करने का काम है करेगा। मस्टर्ड एफिड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो इसको आप मेटासिस्टॉक को यूज करके 25 EC जो होता है और 1 लीटर पर हेक्टेयर, ठीक है 1 लीटर पर हेक्टेयर को यूज कर सकते हो, या फिर आप रोगर को यूज कर सकते हो 30 EC यूज करके, आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका 1 लीटर पर हेक्टेयर, ठीक है। और इसके अंदर आप बोल सकते हो 1000 लीटर पानी के अंदर इसको यूज करना चाहिए, कितने 1000 लीटर, दोनों ही केस की बात कर रहा हूं, रोगर 30 EC 1 लीटर यूज किया जाएगा पर हेक्टेयर के लिए, और मेटासिस्टॉक भी जो है आपका 25 EC होता है ये भी आपका 1 लीटर पर हेक्टेयर यूज किया जाएगा, और इसके लिए आपको 1000 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि रिकमेंडेशन जो किया जाता है, समझ में आया। चलिए सॉरी नेक्स्ट हमारा क्या है, पेंटेड बग ऑफ मस्टर्ड, पेंटेड बग ऑफ मस्टर्ड, ये देखिए पेंटेड क्यों बोला गया, क्योंकि ये पेंटेड होता है पूरा का पूरा कलर्ड है इस एक प्रकार से, ये देखिए ये पेंटेड बग केवल आपका फ्लावर के अंदर इस प्रकार से फैक्ट नहीं, ये क्या करता है पूरा का पूरा जो आपका इन्फ्लोरेसेंस के पास का पोर्शन होता है, ये देखिए पूरा का पूरा ये आपका मस्टर्ड का क्या है इन्फ्लोरेसेंस है, और इस मस्टर्ड के इन्फ्लोरेसेंस के पोर्शन से आपका क्या कर लेगा सारा का सारा जो जूस है, जो उसका जूस कंटेंट होता है मस्टर्ड के जो स्टेम के अंदर, उसको सक कर लेगा, और उसको सक करने से क्या हो जाएगा वहां पर आपका इन्फ्लोरेसेंस प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाएगा, आपका जो पोड है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाएगा, और पोड अगर ये डेवलप नहीं हो पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारे जो यील्ड है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ने वाला है, और ओवरऑल हमारा जो यील्ड होगा मस्टर्ड का वो क्या हो जाएगा इफेक्टेड हो जाएगा। तो गाइज ये हमारे कुछ क्या थे इंपॉर्टेंट जो है इफेक्ट थे, जिनकी वजह से जो आपका ज्यादातर क्या होता है आपके मस्टर्ड के अंदर जो है डिजीज या फिर इंसेक्ट आते हैं और ये कंट्रोल जो है नहीं होते हैं, और जिसकी वजह से क्या होते हैं पूरे के पूरे प्लांट को इफेक्ट करने का काम करते हैं। अगर अगला हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या है कैबेज बटरफ्लाई, कैबेज बटरफ्लाई के अंदर केस में देखिए आप क्या है इसका लार्वा जो है वो भी इफेक्ट करता है, और इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये आपका प्लांट के ऊपर लीफ ब्रांचेस और पोड सभी पार्ट को इफेक्ट करने का काम करेगा, ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपके लीफ जो इन्फ्लुएंस है उसको इफेक्ट कर रहा है, और ये क्या करते हैं एक्चुअल के अंदर प्लांट के लीफ को गिराने का काम करते हैं, पत्तों को गिरा देंगे, और पत्ते अगर गिर गए तो आपको पता है प्लांट फूड कहां से प्रिपेयर करेगा, अल्टीमेटली प्लांट आपका डाई हो जाएगा और यील्ड यहां पर प्रिपेयर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट एक आपका इंसेक्ट था जो कि मेनली आपके क्रॉप के अंदर इफेक्ट करता है, इसको कंट्रोल करने के लिए आप मेलाथियोन को यूज करते हैं, किसको यूज करते हैं मेलाथियोन 50 EC जो कि अगेन आपका 1 लीटर पर हेक्टेयर जो है इसको रिकमेंड किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट इंसेक्ट और डिजीज थे जो कि आपके मस्टर्ड के क्रॉप में अटैक करते हैं, तो गाइस इनको याद कर लेना, और इनके जो इंपॉर्टेंट मैंने यहां पर करेक्टरिस्टिक लिखे हैं इन करेक्टरिस्टिक को जरूर याद कर लेना, ये पूरी की पूरी PDF आपको आप जो है यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको सारे के सारे डिजीज की PDF मिल जाएगी, और बाकी अगर कहीं भी आपको डाउट होता है तो आप मोस्ट वेलकम गाइस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया गया है। थैंक यू सो मच, सेफ रहिए, घर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।